सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल किंग ऑफ उर्दू और बेल आइकन पे क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आमिर शहजाद एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किंग ऑफ उर्दू। गाइस, आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में जो कि आपकी फोटो की बिल्कुल लुक को चेंज कर सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग एक ही सेकंड के अंदर अमेजिंग से अमेजिंग लुक के अंदर जो है वो फोटो एडिट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा, टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको उस फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और काफी लोगों को डिस्क्रिप्शन का नहीं पता होता तो मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो का टाइटल होता है आप वहां पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑटोमेटिकली ऐप लिंक का, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को, वहां पर लिंक अवेलेबल होता है। उसके बाद आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपने ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस होगा और यहाँ पे आपके पास सबसे पहला ऑप्शन कैमरा और यहाँ से गैलरी वगैरह सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल सा मेथड है, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है गैलरी के अंदर जो कुछ पिक्चर मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे रखी हुई है तो उस पिक्चर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि ये पिक्चर है, इस पिक्चर को मैं बस वैसे ही आपको समझाने के लिए सिलेक्ट कर ली। और सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए ये जो पिक्चर है यहाँ पे आ चुकी है। पिक्चर आने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे इसका जो है वो अब मैजिक दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपके पास है स्माइल्स, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको स्माइल्स वगैरह मिल जाती हैं। सबसे पहले तो आपके पास ये ओरिजिनल है, उसके बाद क्लासिक पे क्लिक करता हूँ तो देखिएगा यह बिल्कुल स्माइल चेंज हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली इसकी स्माइल जो है वो चेंज हो चुकी है। इस तरह बाकी जो इसकी चीज़ें हैं वो आपको प्रो वर्जन में मिलती हैं, तो इसमें आपको जस्ट एक स्माइल है जो अच्छे तरीके से ठीक मिलती है। उसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है इंप्रेशन का, तो ये बिल्कुल प्रो है, इसके अंदर कोई भी फ्री नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एज का, एज से रिलेटेड ये है कि आप अपनी एज को जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी जो एज है वो आपकी एज के मुताबिक आप लोग जो है वो पिक्चर का हुलिया बिगाड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह मैं नेक्स्ट जाता हूँ और उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप लोग इसको अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा बिल्कुल लुक चेंज कर देगा। जैसे कि देखिए ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल ओरिजिनल है, किसी किस्म की कोई भी एडिटिंग आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर नजर नहीं आती। इसमें और भी बहुत सारी हैं बट मोस्टली जो है इसके अंदर भी प्रो हैं, बट मैं आपको फ्री के बारे में बताता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है हेयर कलर्स, आप हेयर्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं, वो भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। और बाकी मैं आपको फन के बारे में लास्ट में बताऊंगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ग्लासेस है, आप ग्लासेस भी इसके अंदर ऐड करवाना चाहें तो यहाँ से ग्लासेस भी अप्लाई करा सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है मेकअप का, ये भी प्रो है। उसके बाद फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको बहुत अमेजिंग अमेजिंग फिल्टर मिल जाते हैं, इन फिल्टर का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर, जो कि बहुत ही कमाल कमाल के फिल्टर्स जो हैं इस एप्लीकेशन के अंदर आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से फिल्टर्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लर का, लेंस ब्लर का, ये ऑटोमेटिकली आपके बैकग्राउंड को ब्लर कर देती है, जैसे कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली इसने ब्लर कर दिया है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं तो आप लोग बैकग्राउंड लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, जो मर्जी आप गैलरी से भी पिक्चर लेके आ सकते हैं और वहाँ से भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। उसके अलावा इसमें और बहुत सारे बैकग्राउंड आपको फ्री बैकग्राउंड भी मिल जाते हैं, उन बैकग्राउंड्स को भी आप लोग इसके अंदर एडजस्ट वगैरह करवा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे आप लोगों के पास टैटो, ये आप ऐड कर सकते हैं, ये बहुत कमाल का है, ये बिल्कुल ओरिजिनल लगता है। जिसके मैं क्लिक करता हूँ ये फेस पे आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल लगता है, जैसे ओरिजिनल जो है ये फेस के ऊपर बना हुआ है। जैसे कि नेक्स्ट भी इसमें बहुत सारे फ्री हैं तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए, वो भी बहुत अमेजिंग अमेजिंग है, जो कि आपकी लुक को बहुत ही अमेजिंग बना देते हैं, जैसा कि ये देख लें। और ये कमाल के आपके पास हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेज के अंदर, और मज़ीद भी आपको मिल जाते हैं जो आप मर्जी अपनी मर्ज़ी से ऐड करवाना चाहें तो उनको भी जो है यहाँ से आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो बाकी भी हैं वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, मैं कैंसिल करता हूँ। और यहाँ से बाकी आपके पास ये है कि आप लोग मज़ीद जो है इसको मज़ीद भी एडिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, वो है फ़न की, ये माल कमाल की जो है वो ट्रिक है आपके पास यहाँ पे इस एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे आपके पास फीमेल HD की, आपको फीमेल में कन्वर्ट कर देगा, अगर मेल होगा तो मेल को फीमेल में, फीमेल होगी तो उसको मेल में कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट आपके पास है आपका हेयर कलर जो है वो चेंज कर देगा, और भी बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। आप लोगों को बिल्कुल गंजा होना है तो वो भी आपको ये कर देगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे ये जो है ये बिल्कुल फ्री है, इसके अंदर आपको सारे के सारे तकरीबन फ्री जो है फिल्टर मिलते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट भी आपके पास बहुत सारे आपको मिल जाते हैं तो हम उन पर क्लिक कर देते हैं, जैसे कि नेक्स्ट हम किसी को भी ओपन कर देते हैं। मज़ीद तो यहाँ पे लड़कियों वाले भी हैं, फीमेल
मेल फीमेल वो भी आप कर सकते हैं, बट नेक्स्ट आपको एक अमेजिंग मिलता है ये वाला, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल ही उसको गंजा कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ओरिजिनल में ये है। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा। बाकी आपके पास लेयर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग मजीद इमेज वगैरह ऐड कर सकते हैं, और इमेज को आप लोगों ने जैसे ही उसको जब एडिट करना है, एडिट करने के बाद आप सिंपल सा मेथड है, आप अगर उस इमेज को डाउनलोड करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली आपके पास डाउनलोड हो जाएगी सेव सक्सेसफुली। तो इस तरह आप इसको एडिट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।